कल के एपिसोड में हमने कविता और अभिनव की लड़ाई में कविता को ये कहते हुए देखा कि वो अभिनव की सच्चाई सभी के सामने बता देंगी, जिस पर रुबीना भड़कते हुए ये कहती हैं कि वो बताए क्या बताने वाली थी। और रुबीना इस बात को कई बार कविता से पूछती हैं कि वो जो भी बताने वाली थी अभिनव के बारे में वो बताएं, लेकिन कविता इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन कविता ऐसा क्या बताने वाली थी अभिनव के बारे में जो अभी तक किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि रुबीना को भी नहीं। फिर कौन सा सच था जो कविता बिग बॉस के घर में रुबीना के सामने बताने वाली थी? इस सच के बारे में ज्यादातर लोगों ने नहीं सोचा और ना ही इस पर ध्यान दिया, लेकिन कविता के पति रौनित ने इस सच को सभी के सामने ट्विटर पर कह दिया है। और रौनित ने इसमें कई ऐसी बातें कही हैं जो काफी ज्यादा अजीब है सुनने में और काफी ज्यादा अविश्वसनीय है। रौनित ने अपने इस ट्वीट में अभिनव को लेकर ये कहा कि अभिनव एक शराबी है और वो काफी देर रात में कविता को मैसेज करके ये कहते थे कि वो उनसे मिलने आए या फिर वो उनसे बात करे। कई बार तो ऐसा हुआ कि कविता को अभिनव के खिलाफ पुलिस वालों को भी बुलाना पड़ा ताकि वो अभिनव के इस आदत से बच सके। रौनित अपने ट्वीट में लिखते हुए कहते हैं, खैर मैं सच को बाहर रख दूं, इसलिए नहीं कि हम जिस सचिन के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें शराब की गंभीर समस्या है और रात के दौरान पीने के बाद वो नशे में हो जाते हैं और कविता कौशिक को मैसेज करते हैं और सभी अजीब घंटों में मिलना चाहते हैं, इतना कि उसे एक से अधिक बार पुलिस को बुलाना पड़ा। ये वही आदमी है जिसने सचमुच में हमसे एक फिल्म के लिए अपना घर देने की भीख मांगी थी। वो वही फिल्म बनाना चाहता था जो हमने मुफ्त में की थी और हमने उसे अपना घर दिया और वो अपने घर पर कुछ कारणों से शूटिंग नहीं कर सका। अब ये बोल रहा है उसी लेडी को कि मारेगा उसको। वेलिस ट्वीट से साफ नजर आता है कि रौनित ने फिर एक बार एजाज खान वाला ही दोबारा सीन किया है, जैसा कि उनकी पत्नी ने घर में किया था कि उन्होंने एजाज की मदद की है। और शायद इन्हीं सब की वजह से कविता कौशिक अभिनव शुक्ला को और उनकी पत्नी को फ्रेंड्स विथ बेनिफिट कहती हैं, जिस वजह से अभिनव शुक्ला कई बार कविता कौशिक पर भड़के भी हैं। अलाप की कविता के पति रौनित की इस हरकत पर क्या है राय? क्या रौनित ने जो भी कहा वो सही था या फिर नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और बिग बॉस की इस तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।